अच्छा तुम्हें क्या चाहिए? तुमने आज तक मेरे से कुछ मांगा नहीं है यार। मैं सोच रहा हूँ 1.5 करोड़ का फ्लैट तुम्हें गिफ्ट में दे दूँ। ओ रियली बेबी, बट पता है क्या, तुम मेरे पास हो, मुझे किसी और की क्या जरूरत है ना। हाँ वो तो है यार, बट मैं सोच रहा हूँ चलो मनाली वनाली घूमने चलते कहीं। वाओ सच में यार, पहाड़ों में चलते हैं ना, वहां पे बहुत। कितने कॉल आते हैं रुको एक सेकंड। देख मैं सर में दर्द हो रहा है, था इसकी दर्द। हेलो हेलो भाभी। हाँ जी बोलो जी। नेहा ठीक है? हाँ ठीक है। इस गधी को क्या होगा वैसे? अरे मतलब खाना वाना तो मिल रहा है ना उसे टाइम पे? खाना? हाँ वो तो मिलता है। और क्या वो मेरे साथ में बनाती है खाना? तो बहुत अच्छी है। पता है क्या, सारा कहना मानती है और हम दोनों मिलके काम करते हैं, है ना? हाँ भी बस वो किचन में ही है और मैं बस ऐसी बात कर रही हूँ तुमसे। वैसे तुम्हारा सब कुछ सही चल रहा है ना वहाँ पे? हाँ मेरा तो सब कुछ ठीक चल रहा है। वो खुश तो है ना? खुश? अरे इतनी खुश है ना, इतनी खुश है कि क्या बताऊँ। और हम दोनों साथ में शॉपिंग करने जाते हैं, तुम बिल्कुल भी यकीन नहीं मानोगे इस चीज को। मुझे उससे बात करनी थी, क्या तुम उससे मुझे बात करवा सकती हो? अरे देवर जी अभी वो खाना बना रही किचन में, तो मैं कैसे बुला सकती हूँ, थोड़ा समझो ना। और पता है क्या, वो काम के सामने किसी से बात नहीं करती है। अगर आप इतना कह रहे हो तो ठीक है, मैं बात करा देती हूँ। हाँ भाभी मुझे बहुत कम टाइम मिलता है, तो प्लीज बात करवा दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, बस थोड़ा सा वेट करो। ओके होल्ड पे रखना। म्यूट कर दिया। तेरे ना उस पति का ना रोज रोज मैसेज और कॉल आ जाता है, ठीक है ना? उसको कैसे समझाऊं उसको कि तुझसे बात नहीं करा सकती, क्योंकि तू नौकर है मेरी, समझ में आई? और नौकरों की तरह रहा। और बेबी पता है कि हमारी प्राइवेसी इसकी वजह से खत्म हो चुकी है। यार इसको ना अंदर ले जाके बांध दे, काम कर। छोड़ो भाभी मुझे लग रही है इसकी वजह से वो मनोज उसका पति यहाँ छोड़ के गया है इसको। ले जाता ना साथ में इस गधी को। भाभी प्लीज बात करा दो, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। शट अप, मैं तेरी कोई बात नहीं कराऊंगी। और नौकर ना नौकर की तरह बिहेव कर, समझ में आई? एक तो तेरी वजह से मेरी प्राइवेसी खराब हो रही है यहाँ पर, मैं और मेरा बॉयफ्रेंड मिल नहीं पाते और टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। और तू वो तेरा पति रोज रोज कॉल करता है, मेरा दिमाग खराब करता है तेरी वजह से, ठीक है ना? और चुपचाप से काम कर। भाभी प्लीज बात करा दो, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी आपके बारे में, प्लीज मेरी बात करा दो। तू कोशिश भी नहीं कर सकती, अगर तूने चूचू करी ना तो मैं तेरे पति को ये कहूंगी कि तेरा कहीं और अफेयर चल रहा है, समझ में आई? और फिर उसके बाद वो तुझे एक आंख नहीं देखेगा। चल निकल यहां से। बात करा दो प्लीज, प्लीज प्लीज मेरी बात करा दो यार। इसको बोलना, बहुत सर में दर्द हो रहा है यार। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इससे बात करा देनी चाहिए इसके पति की? ना बिल्कुल नहीं करानी, मरवा दीजिए, फंसवा दीजिए। प्लीज एक काम कर, इस बेकार को ना अभी के लिए सच बोल दे। मैं नहीं बताऊंगी उनको कि आपको बॉयफ्रेंड भी है। आप इसे अपने घर में बुलाती हो? ओ हेलो रखती हो? तू बता भी नहीं सकती, समझ में आई? मैं जो मर्जी करूं इस घर की सबसे बड़ी बहू हूँ और जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगी। और तू कौन होती रोकने वाली मुझे? मैं नहीं रोक सकती आपको, पर मेरे पति से तो मेरी बात करा दो, मेरा फोन भी आपने छीन लिया। यार पति पति कर रही है, तुझे पता पति क्या होता है? पति ना कुत्ते की तरह होता है, उसको ना कुत्ते की तरह ट्रीट करना होता है, जैसे मैं कर रही हूँ। अब तू इतना बोल रही तो ठीक है मैं बात करा देती हूँ, लेकिन अगर तूने कुछ भी यहाँ से हेर फेर करी ना तो बेटा मैं तुझे ना बहुत गंदी तरह ट्रीट करूंगी, है ना बाबू? ट्रीट क्या, इसको मार देना, जान से क्या ही पता चलेगा। कहाँ है मेरा फोन, देना मुझे। सॉरी इट्स ओके। अगर कुछ भी उल्टा सीधा बकाना अपने पति को, नहीं कुछ भी नहीं बोलूंगी। बात करा इस बेवकूफ को, ये बोल ये ना बताए कि मैं हूँ, कब बता। हाँ हाँ इसकी औकात नहीं बताने की। हाँ जी देवर जी। इतनी देर तक म्यूट? अरे वो आपकी प्यारी धर्म पत्नी है ना, वो बोल रही थी कि मुझे काम करना और काम फिनिश करने के बाद ही वो आपसे बात करेगी। तो बात करवा दो। ओके मैं बात कराती हूँ। हेलो 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 नेहा। हाँ तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? तुम रो रही हो? नहीं नहीं वो अभी मैं काम करके आई ना, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, कब आओगी? अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो? नहीं कोई बात नहीं है, कब आओगे तुम? हाँ मैं जल्दी आऊंगा, और जो जो लोग तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं ना उन्हें छोड़ूंगा नहीं।
हाँ जल्दी आ जाओ। हाँ देवर जी, मुझे कुछ अर्जेंट काम था फोन से, तो बाद में कॉल करना ठीक है।